बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को डेटा ट्रांसमिशन परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन में डेटा ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एक ट्रांसमीटर के नाम का अपना प्रोजेक्ट बना लिया और ट्रांस के नाम की अपनी एक फाइल हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दी। अब हम लोग ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसमीटर के नाम का हमारे पास, ये ट्रांसमीटर के नाम का हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है ट्रांसमीटर के नाम की हमारी एक्स फाइल जनरेट होगी। अब आते हैं यहाँ पे कोडिंग वाली साइड पे, हमने कोड को ओरिजिनेट किया। ओरिजिनेट करने के बाद हमने एक पिन को आउटपुट पिन बना दिया। और कौन सी पिन को आउटपुट पिन बनाया? जिस पिन के थ्रू हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने 20 मूव कर दिया। अब आपको पता है 20 आप लोग क्यों मूव करते हैं? ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर के अंदर 20 मूव करने का मतलब है कि हम लोगों ने ट्रांसमिशन एनेबल की, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे 15 वैल्यू मूव कर दी है SPBRG रजिस्टर के अंदर। और 15 क्यों मूव की है? हम लोग 10 MHz ऑसिलेटर के साथ 9600 बॉड रेट के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। इस वजह से हमारे पास ये 15 आई थी वैल्यू, जिसको हम लोगों ने मूव कर दिया। ये देखें यहाँ पर डेसिमल वैल्यू 15 मूव किया है। आप हेक्साडेसिमल में एफ भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमने सीरियल पोर्ट को इनेबल कर दिए। अब ये पड़ी कहाँ पे हुआ है? रिसीवर स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर के अंदर पड़ी हुई है। लेकिन हम लोगों ने इसको क्या किया, इनेबल किया। अगर हमने ट्रांसमिशन करनी है या रिसीविंग करनी है, हमने पोर्ट अपनी क्या करनी होगी, इनेबल करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने आस्की वैल्यू एम मूव कर दी। आस्की वैल्यू एम मूव की है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे वेट किया है कि प्रीवियसली अगर हमारी कोई बिट्स ट्रांसमिट हो रही थी तो वो ट्रांसमिट हो जाए, तो तब हम लोग जाके इस अपने लेटर एम को ट्रांसमिट करेंगे इसको। ये 3 स्टेप्स में, ठीक है। तो अनकंडीशनल ब्रांच लगाई है, दोबारा ऊपर चले गए हैं, बिट टेस्ट फाइल स्किप इफ सेट PIR1, ट्रांसमिशन इंट्रा फ्लैग। कब ट्रांसमिशन इंट्रा फ्लैग आई होगा? जब हमारा प्रीवियसली डाटा सेंड हो चुका हो। तो जैसे ही हमें क्या मिलेगा, हमें इंट्रा फ्लैग मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना डाटा जो हम लोग रिमूव किया हुआ है वर्किंग रजिस्टर में, उसको मूव कर देते हैं ट्रांसमिट रजिस्टर के अंदर। ट्रांसमिट रजिस्टर के अंदर हम लोग जब डाटा प्लेस करते हैं तो क्या होता है, ट्रांसमिट रजिस्टर के साथ जैसे ही डाटा प्लेस होता है तो हमारी फ्रेमिंग परफॉर्म होती है। और फ्रेमिंग कौन परफॉर्म करता है हमारे लिए? ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर यहाँ पे फ्रेमिंग परफॉर्म करेगा। ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर फ्रेमिंग परफॉर्म करने के साथ साथ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट ऐड करने के बाद 1 by 1 बिट इस पिन के थ्रू डाटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद फर्दर हम लोगों ने लास्ट स्टेप क्या किया है कि हमें हमारा कोड, क्योंकि कभी भी स्टॉप नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूसली अगर हम इस स्टेप को नहीं लिखेंगे तो बार बार इसको एग्जीक्यूट करेगा और बार बार लेटर एम ट्रांसमिट करता रहेगा। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, अनकंडीशनल ब्रांच लगा के उसको स्टॉप पे भेज दिया और स्टॉप को इसके साथ ही रख दिया। तो एक इनफाइनाइट लूप है, कोड इसी पॉइंट पे रहेगा। और ये हम लोग प्रोटियस एनवायरनमेंट में आ गए हैं। और प्रोटियस में हमने क्या किया है कि यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास ये जो पिन है, ये देखें RC6, इसके साथ TX भी लिखा हुआ है। तो हम लोग डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको यहाँ से ट्रांसमिट वाली पिन उठा ली। इसको कनेक्ट हम लोगों ने कहाँ पे किया है? यहाँ पे अगर आप लोग आके देखें, आपके पास इंस्ट्रूमेंट वाला ये टैब है। इंस्ट्रूमेंट वाले टैब में जाने के बाद आपने यहाँ पे वर्चुअल टर्मिनल को ऐड करना है। ये वर्चुअल टर्मिनल यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दिया। और वर्चुअल टर्मिनल की रिसीविंग वाली, क्योंकि हम लोग डेटा माइक्रो कंट्रोलर ट्रांसमिट कर रहे हैं और हम लोग वर्चुअल टर्मिनल पे डेटा रिसीव कर रहे होंगे, तो मैंने इसको कहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिसीवर डेटा के साथ कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे वर्चुअल टर्मिनल को अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसकी कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। उसके अंदर देखिए हमने कम्युनिकेशन किस पे परफॉर्म किया, 9600 बॉड रेट पे कम्युनिकेशन परफॉर्म किया। और 9600 के लिए हम लोगों ने 10 MHz के लिए हमारे पास 15 वैल्यू आई थी। तो हम अपने माइक्रो कंट्रोलर को भी कह देते हैं कि हमने जो परफॉर्म करनी है कम्युनिकेशन, वो हम लोगों ने
10 MHz पे परफॉर्म करनी है, तो ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी चेंज कर ली, और यहाँ पे आप लोग देखें ट्रांसमिशन की जो हेक्स फाइल है वो मैंने ऐड कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिमुलेशन को रन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं सिमुलेशन को रन करता हूँ, यहाँ पे देखें कॉन्टिन्यूसली आपके पास एम रिसीव हो रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा है? वो जो अनकंडीशनल ब्रांच वाली इंस्ट्रक्शन थी मैंने उसको क्या किया था, कॉमेंट कर दिया था। तो मैं उसको अन कॉमेंट करके दोबारा से सिमुलेशन रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये इंस्ट्रक्शन मैंने कॉमेंट की हुई है, यही बताने का मकसद था कि अगर हम लोग इसको नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली डेटा क्या होता रहेगा, ट्रांसमिट होता रहेगा, कोड कभी रुकता नहीं है, पूरी रोम एग्जीक्यूट होगी और दोबारा से आपके पास क्या होगा, आपका कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेगा। इस वजह से वो बार बार हमारे पास एम ट्रांसमिट हो रहा था। तो अब दोबारा से एमपी लैब से हम लोग प्रोटीस एनवायरनमेंट में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप सिमुलेशन को मैं स्टॉप करता हूँ, और स्टॉप करने के बाद हमारी जो नई हेक्स फाइल है वो उसी लोकेशन पे पड़ी हुई है, हमें दोबारा से उसको पाथ देने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने सिंपली सिमुलेशन को स्टॉप किया और दोबारा से सिमुलेशन को क्या किया, रन किया। तो यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ अभी एक ही लेटर रिसीव हुआ है कि अल्फाबेट रिसीव हुआ है, वो है एम, हमारे पास रिसीव हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको आप गलती से इसको वर्चुअल टर्मिनल की विंडो को क्लोज कर देते हैं, तो अगर दोबारा से सिमुलेशन चलाएंगे अब ये विंडो आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, डिबग को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास वर्चुअल टर्मिनल की ऑप्शन आ रही है, उसको जब क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वर्चुअल टर्मिनल की विंडो आपके पास ओपन हो रही होगी। अब हम लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर फॉर एग्जांपल ट्रांसमिट करना है, तो मैंने सिर्फ अभी एम ट्रांसमिट किया, तो माइक्रो कंट्रोलर के लिए अब मैं दोबारा से कोड चेंज करता हूँ कि मैंने आई ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ पे कोड में अगर आप लोग देखें तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक हम लोगों ने जो लेटर एम ट्रांसमिट किया था वही कोड हम लोगों ने दोबारा उठाया, ठीक है, और दोबारा से हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिए। इसके साथ क्या चेंज किया, हम लोगों ने इसके जो लेबल्स हैं वो चेंज कर दिए। हम लोगों ने आई अभी सेंड करना था, तो मैं माइक्रो कंट्रोलर के लिए यहाँ पे इसको अल्फाबेट को चेंज करके आई कर देता हूँ। माइक्रो कंट्रोलर हमने सेंड करना, इसी तरह हम लोगों ने आई सेंड किया। आई सेंड करने के बाद इसको मैं यहाँ पे इस आपको दिखा देता हूँ कि अब हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट होगी। तो ओनली सेफर साइड में प्रीवियस हेक्स फाइल्स को डिलीट कर रहा हूँ और दोबारा से यहाँ पे अपनी हेक्स फाइल्स को क्रिएट कर रहा हूँ। तो किसी किस्म का एरर नहीं है, हमारी हेक्स फाइल क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पे हम लोग देखें तो इसको स्टॉप करके मैंने रन किया, तो हमारे पास एम आई सेंड हो चुका है। अब हम लोग इसको दोबारा से कंप्लीट कोड करते हैं इसके लिए। तो आप लोग देखें कि हम लोग इस विंडो में आ गए, और अब ये देखें अगर मैं इस कंप्लीट कोड को एक कॉल स्टेटमेंट में लिख दूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, वरना कोड यही कोड हमें बार बार लिखना पड़ेगा। तो अच्छी लॉजिक यह है कि उसको मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा, कॉल ट्रांस का मैंने एक लेबल बना लिया, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं इस कोड को लेबल के अंदर लिख देता हूँ, इसको यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। और ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक रिटर्न ऐड कर देते हैं। अब देखें कोड यहाँ से एम ट्रांसमिट करने के बाद, एम के बाद एम वर्किंग रजिस्टर में आएगा, हम लोग यहाँ से जंप करके ये इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इधर आके हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्ट फ्लैग को चेक करेंगे और डाटा ट्रांसमिट रजिस्टर में प्लेस कर देंगे। वापस आएंगे हम लोग आई ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, आई लोड करेंगे, और आई लोड करने के बाद हम लोग दोबारा से क्या करेंगे, कॉल कर देंगे ट्रांसमिशन वाले कोड को। ठीक है,
और इसके बाद हमारे पास ये अनकंडीशनल जो ब्रांच है जो हम लोगों ने नीचे लगाई थी, इसको यहाँ से उठा के हम लोग अपने फंक्शन की बॉडी से पहले ही इसको पुट कर देंगे, ठीक है। और इसको इसके आउटपुट देखते हैं कि हमने जो कोड अभी चेंज किया है इससे क्या होता है। प्रोटियस एनवायरनमेंट में आया, इसको हमने सिमुलेशन को स्टॉप किया और दोबारा से रन किया तो हमारे पास MI सेंड हो गया, ठीक है। अब इसी कोड को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हुए हम लोग पूरा माइक्रो कंट्रोलर यहाँ से ट्रांसमिट कर लेते हैं। देखिए अब हमारे लिए आसानी होगी, वरना हमें वो इंस्ट्रक्शंस बार बार लिखनी पड़ती है। सॉरी मेरा आज कुछ गला खराब है। अब देखें हम लोगों ने जब भी ट्रांसमिट करना है तो हमें बार बार वही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ये कंप्लीट कोड कर लिया मैंने, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ। कोई एरर नहीं है हमारे पास, प्रीवियस जो फाइल थी मैंने उनको डिलीट कर दिया और नई एक्स फाइल हम लोगों ने यहाँ से जनरेट कर दी। और जनरेट करने के बाद अब मैं प्रोटियस एनवायरनमेंट में चला जाता हूँ। और प्रोटियस में आप ये देखें प्रीवियस आउटपुट आ रही है, मैं इसको स्टॉप करके जैसे रन करता हूँ तो हमारे पास नई आउटपुट आ गई और हम लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर यहाँ से ट्रांसमिट कर दी। अब आप लोग देख सकते हैं कि आपने एक ही पिन के थ्रू इतना सारा डाटा ट्रांसमिट कर दिया और 9600 बॉड रेट के साथ हमने ट्रांसमिशन परफॉर्म की है। होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी चीज़। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि अगर हम लोग इधर गलती से ऑसिलेटर हम लोग कोई और अगर यूज़ करते हैं तो फिर क्या होगा। मैं कहता हूँ कि मैंने 10 MHz के लिए कैलकुलेशंस की थी, अगर मैं 4 MHz यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो फिर क्या होगा। तो क्या डाटा ठीक हमारे पास ट्रांसमिट होगा, रिसीव होगा? तो इसके लिए वर्चुअल टर्मिनल ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ और ही वैल्यूज हमारे पास रिसीव हो रही है, क्योंकि हमने तो ट्रांसमिशन की थी 9600 बॉड रेट के साथ और उसके साथ साथ हमने अपना वर्चुअल टर्मिनल को भी 9600 बॉड रेट के साथ ही यूज़ किया था। तो इसको अगर यूज़ करना होगा तो हमें क्या करना होगा, जो हम लोगों ने कैलकुलेशन परफॉर्म की हैं जिस ऑसिलेटर के लिए वो ही हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। और हमें हार्डवेयर में अगर हम लोगों ने देखना है तो हार्डवेयर में जो हमारे पास अवेलेबल ऑसिलेटर होगा उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और फर्दर हम लोग उसको फिर यूज़ करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।